subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 13 के लॉन्च के दौरान सलमान ने पिछले सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मिलकर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे सीजन खत्म होने पर आसिम रियाज के साथ क्या लड़ाई हुई थी इस बारे में तमाम बातचीत की, उनसे पूछा। सिद्धार्थ ने इस पर जवाब भी दिया, जहां दर्शक विवादित टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं निर्माताओं ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फैंस को आश्चर्यचकित कर दिया, यानी कि शॉक्ड कर दिया। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होस्ट सलमान के अलावा तीन पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी सिद्धार्थ, हिना और गौहर शामिल थे। तीनों ने आगामी सीजन में अपनी भूमिका के बारे में बातचीत की। बातचीत के दौरान होस्ट ने सिद्धार्थ से पिछले सीजन के रनरअप रहे आसिम रियाज के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा। सलमान को सिद्धार्थ से ये पूछते हुए सुना गया कि क्या दोनों अभी भी वैसे ही लड़ते हैं जैसे वो रियलिटी शो में लड़ रहे थे। सलमान खान ने पूछा कि बिग बॉस सीजन 13 के घर से बाहर निकलने के बाद क्या आपने और आसिम ने असली सुल्तानी अखाड़ा में कुश्ती की थी, दंगल हुआ आप दोनों के बीच? इसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, हमने वास्तविक जीवन में कोई भी लड़ाई नहीं की, लेकिन कुछ सोशल मीडिया वॉर जरूर हुए थे, हालांकि अंत में सब कुछ अच्छा रहा था। सिद्धार्थ ने आगे ये भी कहा कि बिग बॉस वाला फील नहीं था। सिद्धार्थ के इस जवाब को सुनकर सलमान ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पिछले सीजन में हर किसी ने देखा कि कैसे एक बार अच्छे दोस्त रहे सिद्धार्थ और आसिम में जबरदस्त लड़ाई हुआ करती थी, जो बाद में बड़े बड़े झगड़े में बदल गई थी। बिग बॉस शुरू होते ही हर साल होने वाले सोशल मीडिया वॉर के बारे में सलमान ने कहा कि शो शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये सीमा के भीतर रहेगी। लोग पक्ष लेंगे, कुछ मेरे खिलाफ होंगे, कुछ मेरे साथ होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग पक्ष लेते समय इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रही है हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.